हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे और बहुत सारा नाम, इज्जत और पैसे कमा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फ़ेल क्यों हो जाते हैं। इतनी अच्छी इंडस्ट्री, इतने सारे लीडर्स, उसके बावजूद बहुत सारे लोग फ़ेल हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो सक्सेस रेशियो बहुत कम है। तो जो मेरे 3 साल का तजुर्बा है, उससे मैं कुछ चीज़ें आपके लिए निकाल कर आया हूँ जो आपको आशा है हेल्प करेंगी। और उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वो 17 कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और इस बिज़नेस में फ़ेल हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ेल हो जाते हैं। तो ये मेरा ब्लॉग है जिसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ब्लॉग का जो URL है, दैट इज़ brisnasvis.blogspot.com। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारी मैंने लिख रखी है ब्लॉग्स, ठीक है, बहुत सारे पोस्ट लिख रखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, से जो सबसे पहला रीज़न है, दैट इज़ सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट क्या चीज़ होती है कि कोई इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है, उसको ये नहीं लगता कि जब वो किसी को प्लान दिखाएगा या किसी को अप्रोच करेगा तो लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। उसको अपने आप पर ही डाउट होता है, उसको लगता है कि वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़िए, कोई भी ऐसा काम है उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए जो आप करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी भी काम को नहीं कर पाओगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या सिंपल सा टीचिंग का काम हो या फिर कुछ भी हो। तो सेल्फ डाउट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो अपलाइन का रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी टीम में लोग हैं तो आप उनको करेज करिए और उनको हौसला दिलाइए कि वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी लीडर को ले लीजिए, चाहे वो जितना बड़ा लीडर हो। अगर मेरी आप बात करो तो शुरू में मैं आया था तो मेरा सेल्स का बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। मैं लोगों को प्लान दिखाता था तो नहीं दिखा पाता था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार, लगता है कि मेरे से काम नहीं हो पाएगा। बट बाद में मैंने ये सोचा कि जब एक बार किसी इंडस्ट्री में घुस गए हैं तो एक बार ट्राई करते हैं, हम अपना 100% देते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप अपने ऊपर डाउट मत करिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ठीक से बात भी नहीं करना आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, उसके बावजूद भी वो इस फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, दैट इज़ सेल्फ डाउट, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि थिंक नेटवर्क मार्केटिंग एज ए स्मॉल वर्क। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो जॉब करते हैं या फिर जिनकी सैलरी लेट से 1 लाख रुपीज़ है पर मंथ, ठीक है, जिनका थोड़ा पैकेज ज़्यादा है, उनको ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो उन लोगों के लिए काम है, ठीक है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जो फ्री हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ हाईली पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो बिज़नेस है, ये एक वकील से ज़्यादा पैसा दे सकता है, ठीक है, ये एक डॉक्टर से ज़्यादा पैसा दे सकता है, ये एक लॉयर से ज़्यादा पैसा दे सकता है। इवन ये टक्कर देता है सेलिब्रिटीज़ को, जो फिल्म स्टार हैं बॉलीवुड में, उनको भी टक्कर देता है, ठीक है। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये छोटा काम है, आप 2, 4, 10 लोगों को रेफ़र करोगे तो आपको थोड़े बहुत पैसे आएंगे। दोस्तों, गिनती एक से शुरू होती है बट ख़त्म कहाँ होती है आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो नेटवर्क जब छोटा होता है तो आपको 1,000, 2,000, 5,000 आते हैं, बट जब वही नेटवर्क 1,000, 10,000, 1 लाख लोगों का होता है तो आप अगर नहीं भी चाहते हो पैसा है, फिर भी आपके अकाउंट में लाखों रुपए आते हैं हर महीने, ठीक है। तो इसको कभी भी आप मत ये सोचिएगा कि बहुत छोटा काम है। जो तीसरा पॉइंट है वो है डोंट टॉक टू अप्लाई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका अप्लाई जो है वो आपका दोस्त है, ठीक है, या फिर आप एज में आपसे छोटा है, तो कभी कभी लोग अपलाइन को की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको लगता है ये तो एज में मेरे से छोटा है, ये क्या मेरे को ज्ञान देगा, मैं तो बहुत ही मैं बहुत ही इससे उम्र में भी बड़ा हूँ। तो वो अपलाइन से बात नहीं करते, वो सोचते हैं उनको सब कुछ आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने एक्टिव अपलाइन से बात करनी ही पड़ेगी, वो भी डेली, रोज़, ठीक है। और कोई भी अगर एक्टिव अपलाइन अच्छा होगा तो आपको कभी भी वो मना नहीं करेगा, क्योंकि आपके ही ग्रोथ में उसकी ग्रोथ छुपी हुई है, ठीक है। तो आप अपने अपलाइन से रोज़ बात करिए
और कोई भी ऐसा काम जो आपने अब तक नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप वो पहली बार कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 अपने अपलाइन से एक बार ज़रूर बात करिए कि सर मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि आप अभी अब आपने ये जो सफ़र शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग का, आप जो जो स्टेप ले रहे हो कहीं ना कहीं आपका अपलाइन उन रास्तों से होकर गुजर चुका है और वो आपको बता सकता है कि आप कहाँ गलती करने वाले हो। ठीक है, तो गलती करके सीखने से अच्छा है कि अपलाइन से आप पहले ही पूछ लो। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि डोंट अटेंड ट्रेनिंग सेमिनार इवेंट। जी हाँ दोस्तों, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक गैदरिंग होता है, वीकली सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होता है, ठीक है, पेस मीटिंग्स होती हैं घरों में, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। तो अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना तो आपको प्लीज़ जो सैटरडे संडे अपना सेमिनार होता है उसको ज़रूर अटेंड करो। ठीक है, एक बार तो ज़रूर ही अटेंड करो, जहाँ से आपको दिखेगा कि हाँ इतने सारे लोग हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आपको वहाँ से एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलेगा और बहुत सारी नॉलेज भी आपको मिलेगी। उसके अलावा पांचवा पॉइंट है कि वो किताबें नहीं पढ़ते। ठीक है दोस्तों, कहते हैं ना कि एक बुक जो होती है वो 100 दोस्तों के बराबर होती है, उसमें जितना नॉलेज होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी बुक है, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो कॉपीकैट 101 और क्वेश्चन आधा आंसर, ये दो बुक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, इसको आप ऑर्डर कर सकते हो। तो बुक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपका अपना एक माइंडसेट होगा, आपका अपना एक विज़न क्रिएट होगा। अगर आपको कोई और इंसान बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, तो वो आपको हो सकता है कि वो अपनी बातें आप पर थोप रहा हो, बट जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें खुद से समझ में आएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट है जो डोंट वॉच यूट्यूब वीडियोज़ ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों आज के ज़माने में यूट्यूब से अच्छा कोई साधन नहीं है लर्निंग का, सीखने का। तो अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और टाइप करोगे नेटवर्क मार्केटिंग, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है, और उससे सीख सकते हो। और अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो ठीक है, अगर मैं आपको और आगे बताता हूँ तो सातवां पॉइंट है डोंट कम इन एसोसिएशन इन लीडर। दोस्तों आप ये देखो कि जो आपकी कंपनी के लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, ठीक है, आप उनसे कैसे मिल सकते हो। ठीक है, अगर आपको मालूम है कि कोई ट्रेनिंग हो रही है तो आप वहाँ अपना टाइम मैनेज करके, ऑफिस का टाइम मैनेज करके जाओ। ठीक है, थोड़ा सा पेनफुल होता है इनिशियल स्टेज में नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि मेहनत ज़्यादा होती है और उस अकॉर्डिंग पैसा नहीं आता, तो आपको वो चीज़ सहनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक लीडर इस फेज से होकर गुजरा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो शुरू के 3 महीने में मेरी इनकम 2-3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये थी, तो फिर भी मैं लगा रहा, क्योंकि मेरे को मालूम था कि यही इस बिज़नेस की खासियत है कि शुरू में कम पैसे आते हैं और बाद में ज़्यादा पैसे आते हैं, क्योंकि आपकी टीम बढ़ती जाती है। तो आप अपने लीडर्स से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए कैसे करना है। उसके बाद है कि डोंट फेथ ऑन कंपनी। लोगों को कंपनी पर ही भरोसा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मेरी ही कंपनी में नेटफ्लिक्स की अगर मैं बात करूं, तो मेरे को खुद ही शुरू में ऐसा लगता था यार मैं 6 महीने, 1 साल 2 साल यहाँ काम करूँगा और कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी भाग गया मार्केट से। तो बाद में मेरे अपलाइन ने क्लियर किया कि यार जो वर्किंग कंपनी होती है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, वो कभी नहीं भागती। जैसे कि कोई भी कंपनी है मार्केट में, जैसे एक बहुत अच्छी कंपनी एमवे अगर आप बोलो, तो वो क्या है, पैसे लिए प्रोडक्ट दिया तो क्या करेगी मार्केट से भाग के। तो मेरे को समझ में आया हाँ यार, अगर नेटफ्लिक्स भी है, उसने आपको 15,000 रुपये लिए और आपको ब्रांडेड 2 सूट दे दिए, अब अगर कंपनी में कुछ भी होता है तो प्रोडक्ट आपके हाथ में है और कंपनी एवरी वीक पे आउट बांटती है, तो कंपनी नहीं भागेगी। ठीक है, तो कंपनी पर ट्रस्ट होना, कन्विक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको कंपनी पर ट्रस्ट नहीं है तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, नेटफ्लिक्स हो या कोई भी कंपनी हो, आप सारी चीज़ें क्लियर करिए, कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, क्या कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करती है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, सारी चीज़ें चेक करिए। जब आप 100% कन्विंस हो जाइए फिर आप काम करना शुरू करिए। उसके बाद है डोंट फेथ ऑन प्रोडक्ट। दोस्तों अगर प्रोडक्ट पर ही आपको भरोसा नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग तो प्रोडक्ट पर ही चलता है। जैसे अगर मैं बात बताऊं तो नेटफ्लिक्स में जो सूट हैं, जो ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हैं, जो शर्ट पैंट हैं, या फिर जो आपका टाई का सेट है, या फिर होम अप्लायंसेस हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली यूज़ की हैं। अगर मैं इससे 100% कन्विंस हूँ तो मैं किसी को भी ठोक के प्रोडक्ट दे सकता हूँ कि हाँ भाई ये लो, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं। और मैं खुद जब प्लान दिखाता हूँ तो अपनी कंपनी के सूट या शर्ट पैंट डालता हूँ, तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हो उस चीज़ में दम है। तो प्रोडक्ट के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए।
दसवां है डोंट गिव टाइम टू बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, लोग तुक्का मारने आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि चलो ठीक है, सामने वाला दिखा रहा है प्लान, इतने पैसे आते हैं तो मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। दोस्तों ये ट्राई करने वाला बिजनेस नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पर काम करोगे तो पैसे आएंगे ही आएंगे, इनिशियली कम आ सकते हैं ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों को प्लान दिखाओ तो एक भी बंदा ना जुड़े ठीक है। तो आप इसको बिजनेस की तरह लगिए लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग को। जो मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनका बस एक ही रीज़न होता है कि इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इसी बिज़नेस में 10 लाख 5 लाख की इन्वेस्टमेंट होती तो कोई भी फेल नहीं होता, वो ये सोचता कि 5 लाख लगे हैं तो मैं चीज़ें सीख के करता हूँ ठीक है, प्रोफेशनली करता हूँ। बट यहाँ पर यही प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में कि दाव पे कुछ नहीं लगता तो कोई सीरियस नहीं होता। दोस्तों आप ये समझ लीजिए, अगर आप पर डे 1 से 2 आवर्स नहीं दे रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो चाहे कोई भी कंपनी हो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते ठीक है। उसके बाद जो है वो ये है, डोंट रेडी टू लर्न। दोस्तों सब लोगों को लगता है अरे ये क्या है, मतलब दोस्तों लोगों को जोड़ने का काम है, प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट दो, जोड़ो। दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही क्रक्स बताऊं इस बिज़नेस का, ये लोगों को जोड़ने का काम है ही नहीं, ये लोगों को एजुकेट करने का काम है। मान लीजिए आपने 1000 लोगों को भी टीम में जोड़ दिया और आप उनको एजुकेट नहीं कर पाए तो ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है, वो लोग डुप्लीकेट नहीं होंगे और आप फेल हो जाओगे। तो दोस्तों ये जो बिज़नेस है, एक बात ध्यान रखिए, बिज़नेस डुप्लीकेशन का है, जोड़ने का काम नहीं है। जो लोग जुड़े हैं उनको एजुकेट करके, गाइड करके उनको डुप्लीकेट करने का काम है ठीक है। तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको अपलाइन से सीखना पड़ेगा कि कैसे प्लान दिखाना है, कैसे टीम को लीड करना है, कैसे टीम को पढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो बिना सीखे काम नहीं होगा, 100 की सीधी बात मैं आपको बताता हूँ। 12th पॉइंट है, डोंट हैव बिग विज़न। दोस्तों लोग आते हैं कि चलो मैं 6 महीने कर लूँगा, मैं 1 साल कर लूँगा। दोस्तों अगर आप कर ही रहे हो ना तो इसको एक बड़े विज़न के साथ काम करो ठीक है, क्योंकि विज़न ही है जो आपको ड्राइव करता है, आपके ड्रीम्स ही हैं जो आपको ड्राइव करते हैं। अगर आपको काम करने में तकलीफ हो रही है तो आप कोई भी एक बड़ा ड्रीम ले लो कि हाँ मैं इतने साल से जॉब कर रहा हूँ और मैंने अपना 3 BHK नहीं लिया अब तक जॉब में ठीक है, या फिर कोई भी आपका ड्रीम है, मैंने अभी तक कोई भी लग्जरी कार SUV नहीं ली, तो आप इसको कनेक्ट कर लो अपने ड्रीम से कि हाँ मेरे को इस नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करना है। और अपना कोई भी ऐसा ड्रीम है फैमिली का कि अपने बच्चे को एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना है, तो आप आराम से काम करोगे ठीक है। लोगों के ड्रीम नहीं है, लोगों के पास रीज़न नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, इसलिए वो फेल हो जाते हैं ठीक है। तो एक विज़न बनाइए आप इस काम को लेकर। 13th पॉइंट है ठीक है, कि वो उनको खुद कन्विक्शन नहीं होता ठीक है, वो ट्राई करने आए होते हैं। तो दोस्तों आप ये चीज़ जान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सफल हो रहे हैं ठीक है। अगर इतने लोग कर सकते हैं, जैसे कि आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे, बट आप देखो उसी कंपनी में, जैसे मैं बोलूँ कि मैं नेस्फिस में जुड़ा और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो दोस्तों आप ये सोचो कि इतने सारे लोग हैं, इतने स्टूडेंट हैं ठीक है, इतने IT के लोग हैं, इतने गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं, तो अगर इतने सारे हज़ारों लोगों से हो सकता है ये काम तो मेरे अंदर क्या कमी है, तो मेरे से भी होगा ठीक है। तो आपको कभी भी कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ बिज़नेस अच्छा है, लोग अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, कंपनी का जो विज़न है वो अच्छा है। तो कन्विक्शन आपको एक बनाना पड़ेगा ठीक है, कोई तुक्के वाला काम नहीं है ठीक है। इट्स अ प्योर इंडस्ट्री ठीक है, 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की होने वाली है KPMG के रिपोर्ट के अलावा। तो अब वो कन्विक्शन बनाना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर ठीक है। उसके बाद अगर 14th पॉइंट बताऊं तो डोंट फॉलो द सिस्टम। डोंट फॉलो सिस्टम, यूज़ देयर ओन वे टू डू दिस। हाँ ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो लोग हैं वो सिस्टम फॉलो नहीं करते, ना ही वो ट्रेनिंग में जाते हैं, ना ही वो इंडक्शन लेते हैं, ना ही वो VOPs में जाते हैं, ना ही वो सेमिनार में जाते हैं। वो एक अपना तरीका ढूंढ लेते हैं कि आसानी से कैसे होगा, वो खुद से ही प्लान समझा देते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, अगर आप एक कंपनी में जुड़े हो और आपके कंपनी का आपका अपलाइन बोलता है कल ट्रेनिंग आपको आना है, तो आपको ट्रेनिंग में जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें सीखनी चाहिए, जो सिस्टम है, अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे तो तेज़ी से आगे बढ़ोगे। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक ऐसा काम है जिसमें आपको अपना दिमाग कम लगाना होता है या नहीं लगाना होता है, अपने अपलाइन का दिमाग से आप चलो
ठीक है, सिस्टम को आप फॉलो करो। सारा सिस्टम बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद बनाया जाता है, उस सिस्टम को फॉलो करो, वही सक्सेस की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 15वां पॉइंट है यूज़ रॉन्ग इनविटेशन मेथड। बहुत सारे लोग हैं वो कुछ भी बोल के अपने दोस्त को बुलाते हैं। जैसे मेरी टीम में कुछ लोग हैं वो बोलते हैं यार मॉल में चलो घूमने चलते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं, और वहाँ पर वो अपने दोस्त को बुलाते हैं और फिर मेरे को भी फ़ोन कर देते हैं सर मेरा दोस्त है आपको प्लान उसको दिखाना है प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ये सब गलत तरीके हैं, लोग रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं अपने दोस्तों को। आप ये समझ लो कि आप गिवर हो, आप टेकर नहीं हो। आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग की, अगर वो कल को 50,000-1,00,000 रुपये महीने कमाएगा तो आपको थैंक्स बोलने वाला है। तो आप गिवर हो, आप गिवर माइंडसेट के साथ इनवाइट करो कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो आप सीखोगे कैसे इनवाइट करते हैं, सही तरीका क्या है आपके बिजनेस में इनवाइट करने का अपने अपलाइन से। गलत वे से अगर आप अपलाइन अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करोगे तो कोई नहीं आएगा आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के लिए। 16 पॉइंट है दोस्तों, होता क्या है कि लोग एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार पाँच लोग को प्लान दिखाते हैं, और अगर चार पाँच लोग शुरू के हैं वो अगर उनको मना कर देते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपने घर पे बैठ जाते हैं, आगे काम नहीं करते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में इनिशियली आपको ना ही मिलेगी, क्योंकि आप चीज़ें सीख रहे होते हो, आपको बुलाने नहीं आता दोस्त को, आपको प्लान नहीं दिखाने आता। ठीक है, आपको क्लोजिंग में आप ट्रस्ट नहीं दे पाते अपने दोस्त को, आप पैसे मांगने में शर्माते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लान दिखाना जब आप शुरू करोगे तो आप धीमे 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 सीख जाओगे। तो दोस्तों मैक्सिमम लोग अगर मैं बताऊं तो 60-70% लोग शुरू के चार पांच लोगों के ना बोलने के बाद ही घर पे बैठ जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सेल्स, वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे ट्रेडिशनल सेल हो, अगर 10 ग्राहक आते हैं तो 10 ग्राहक में एक या दो ही सामान खरीदते हैं, बाकी लोग नहीं खरीदते। तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर आपको 10 लोगों की टीम बनानी है तो आप 100 को प्लान दिखा दो, 10 तो आराम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो सबसे वर्स्ट रेशियो होता है वो 10:1 का होता है, 10 को दिखाओगे एक जुड़ेगा, 20 को दिखाओगे दो जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी, आपके पास 150 की लिस्ट है, आप 150 को दिखाओ प्लान। ठीक है, उसमें से अगर 15 भी जुड़ते हैं तो 15 के पास भी 150 की लिस्ट होगी, फिर 15 लोग जुड़ जाएंगे, इस तरह करके आपका नेटवर्क मल्टीप्लाई होता जाएगा। जो लास्ट पॉइंट है वो है दे डोंट मेक लिस्ट। ठीक है, लोग मोबाइल में ही का सारा काम करते हैं, वो कोई फिज़िकल डायरी नहीं लेते, उसमें नाम नहीं लिखते। ठीक है, सिस्टम में ये बताया जाता है कि ये लिस्ट बनाकर ही लोगों को बुलाना है, वो लिस्ट नहीं बनाते, और लिस्ट ना बनाना ही सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न है नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, आप लिस्ट नहीं बनाते तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आता है लोगों को बुलाने का। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, 17 रीज़न्स ऑफ फेलियर इन नेटवर्क। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसको बनाने का। तो दोस्तों दिस इज़ ब्रिजभूषण शर्मा, योर होस्ट एंड दोस्त। आशा है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।